गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आई एम सपना सिंह, योर सीपीएस टीचर। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास 7 चैप्टर 8, अ शर्ट इन मार्केट। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ अ शर्ट। इट बिगिंस विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड एंड्स विद द सेल ऑफ द शर्ट। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे एक शर्ट की स्टोरी को, जो कहाँ से स्टार्ट होगी, जो कॉटन के प्रोडक्शन से स्टार्ट होके एंड होती है शर्ट के बेचने तक। A cotton farmer in Kurnool, a small farmer in Kurnool, Andhra Pradesh, grows cotton on their small piece of land. एक कर्नूल का एक जो आंध्र प्रदेश स्टेट है, उस कर्नूल के स्टेट में एक छोटा सा फार्मर है जो अपने छोटे से लैंड पे कॉटन को ग्रो करता था। वंस द रिपिंग इज डन, कॉटन बॉल्स आर गैदर्ड, और फिर पकने के बाद, रिप होने के बाद हम कॉटन बॉल्स को इकट्ठा करके, वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, फार्मर टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर और टू द नेबर मर्चेंट, और उसके बाद उसको कलेक्ट करके जो लोकल ट्रेडर है उनको बेचता था। फार्मर अर्निंग्स फ्रॉम कॉटन कल्टिवेशन इज बेयरली मोर देन द दे माइट हैव अर्न एज ए वेज लेबर। जो कॉटन की जो खेती होती है ये काफी कॉस्टली होती है, इसको इसके लिए जो स्मॉल फार्मर्स है उनके पास इतना मनी नहीं होता कि वो इसकी फार्मिंग कर इजिली कर सकें, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, मनी बोरो करते हैं वहाँ के जो लोकल मर्चेंट्स होते हैं, लोकल ट्रेडर होते हैं, उनसे मनी बोरो करते हैं। जैसे इस स्टोरी में दे रखा है, एक लेडी फार्मर है, वो 2500 रुपीस मनी लेती है अपने ट्रेडर से, और जिसके लिए जब उसकी क्रॉप कंप्लीट हो जाती है, ग्रो हो जाती है जब उसकी कॉटन, और वो बेचने जाती है मार्केट में, तो वो उसमें से उसका इंटरेस्ट काट के टोटल उसकी जो कॉटन होती है वो 6000 रुपीज़ की होती है। तो जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है, उस 6000 रुपीज़ में से 3000 रुपी वो जो उसने उसको बोरो दिए थे, उधार दिए थे, वो कट कर लेता है। 2500 रुपीस उसने बोरो दिए थे, 500 उसमें इंटरेस्ट प्लस करके उसके कट कर लेता है, और ओनली 3000 रुपीस उसको देता है। तो वो जो स्मॉल ट्रेडर होती है उसका कहना था कि 4 मंथ की इतनी हार्ड वर्क के बाद उसको ओनली 3000 रुपीस मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह का उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण है। एंड द क्लॉथ मार्केट इन एरोड, द एरोड बाई वीकली क्लॉथ मार्केट इन तमिलनाडु इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि किस तरह से प्रोड्यूस होती है क्लॉथ, कि छोटे छोटे से फार्मर होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद बेचते हैं, और उनको उनके रेट के हिसाब से जितना वो खेती में लगाते हैं उस हिसाब से उनको मनी नहीं मिल पाते। अब नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है क्लॉथ मार्केट, एरोड की क्लॉथ मार्केट है जो वीकली मार्केट है, जहाँ पे वीक में जो क्लॉथ मार्केट लगती है काफ़ी सस्ते, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट है, यहाँ पे काफ़ी सस्ते कपड़े मिल जाते हैं। अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ सोल्ड इन दिस मार्केट, यहाँ पे काफ़ी क्लॉथ की काफ़ी लार्ज वैरायटी मिलती है। अराउंड द मार्केट आर ऑफिसेस क्लॉथ मर्चेंट्स हु बाय दिस क्लॉथ, और जो आसपास के जितने भी क्लॉथ ऑफिसेस मर्चेंट्स हैं वो यहाँ से कपड़े खरीदते हैं और बेचते हैं। दिस मर्चेंट सप्लाई क्लॉथ ऑन ऑर्डर ऑन गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर अराउंड द कंट्री। ये मार्केट वीकली मार्केट है, इसलिए वीक में वन डे भी लगते हैं, लेकिन जो अदर डे होता है यहाँ पे वीवर्स वर्क करते हैं। वीवर्स क्या वर्क करते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनी, मैन्युफैक्चरर कंपनी, एक्सपोर्टर के कहने पे इनको वर्क देते हैं, यानी कपड़े वीव करने के लिए इनको ऑर्डर देते हैं, और ये वीव करने के बाद मर्चेंट्स को लौटा देते हैं। तो पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम, इस सिस्टम को क्या बोला गया, पुटिंग आउट सिस्टम। द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूटर वर्क द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर ही हैज रिसीव फॉर क्लॉथ, वो क्या करते हैं, वो ऑर्डर पे इनसे इनको यार्न देते हैं, धागे देते हैं, और उसके बाद इनसे क्लॉथ लेते हैं। द वीवर गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लॉथ, वो इनसे यार्न लेते हैं और क्लॉथ देते हैं। इसका एक जो पॉजिटिव वे है, यानी बेनिफिट क्या होता है वीवर्स को, एक तो उन्हें यार्न नहीं खरीदना पड़ता, उन्हें ये समझ रहता है कि उन्हें किस तरह का क्लॉथ बनाना है, इसके बारे में नहीं सोचना पड़ता, और उसके बाद उन्हें जो वो क्लॉथ बनाते हैं उसको बेचने के लिए उनको इधर उधर नहीं जाना पड़ता, वो मर्चेंट्स को दे देते हैं। लेकिन इसका निगेटिव रीज़न, निगेटिव वे क्या है, इससे क्या प्रॉब्लम होती है, जो वीवर्स होते हैं उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग पैसे नहीं दिए जाते, ठीक है, जो भी मर्चेंट्स होते हैं उनको पैसे कम देते हैं उनके वर्क के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो वीवर्स होते हैं वो
इलिटरेट होते हैं, उनके पास इनको ये नहीं पता होता जो कपड़े सिल रहे हैं वो किसके लिए सिल रहे हैं और वो उनको कहाँ बेचने हैं, ठीक है। और इसका बेनिफिट कौन उठाते हैं? मर्चेंट। तो जैसे फर्स्ट स्टोरी में मैंने देखा कि ट्रेडर ने जो स्मॉल फार्मर थे उससे कम वेजेस में उसकी कॉटन खरीद के, यानी जो 1500 रुपीस क्विंटल की कॉटन दी थी, जो 1800 रुपीस क्विंटल होती है, यानी उससे बेनिफिट उठाया। फर्स्ट में ट्रेडर ने बेनिफिट उठाया, सेकंड में जो मर्चेंट है वो बेनिफिट उठा रहा है, थर्ड है द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली, द अराउंड मर्चेंट सप्लाई द कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस बाय द वीवर्स एंड गारमेंट्स एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली, एंड द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज द क्लॉथ टू मेक शर्ट एंड दिस लार्ज स्टोर टू डू बिजनेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर ऑन टर्म्स। उसके बाद जो एरोड के जो मर्चेंट्स थे वो क्या करते हैं, जो वहाँ से क्लॉथ लेते हैं, कपड़े लेते हैं कॉटन के, उसको दिल्ली की फैक्ट्री में भेज देते हैं, फिर वो जो दिल्ली की फैक्ट्री है वो उसको क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है, किसके, शर्ट को बनाने के लिए। यानी टोटल मिला के किसी भी एक शर्ट पे जो 300 रुपीस का एक्सपेंड होते हैं, खर्च आता है, और वो शर्ट कितने में बेची जाती है, टोटल 1200 में, यानी 900 रुपीस का प्रॉफिट होता है। जो बीच के बिचौले जिनको बोला जाता है, लाइक ट्रेडर्स, मर्चेंट या कंपनीज के जो मालिक हैं, वो कमा लेते हैं। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट वुमेन वर्कर एंड मार्केट एंड इनइक्वालिटी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।